वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपके लिए लाई हूँ सिंपल और इजी रेसिपीज। सबसे पहले ये हमारे पास ब्रेड है जिसे मैंने काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास मेल्टेड बटर है, उसमें थोड़ा सा कोरिएंडर, ब्लैक पेपर और साल्ट डाल दिया। अब ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने रखा बटर, ये रूम टेम्परेचर पे था फिर भी थोड़ा सख्त था। सबसे पहले कोरिएंडर, धनिया, ब्लैक पेपर और नमक डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर दें। ये थोड़ा सा अभी ना हार्ड है तो मैं इसको थोड़ा सा वार्म कर लेती हूँ। ये मेरे पास ब्रेड है, इसको हम काट लेंगे। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा काटा कि अच्छा भी लग रहा है और थोड़ी सी थिन स्लाइस भी होंगी। समझ नहीं लग रही कौन सी साइड पे रखूँ तो कैमरे में अच्छे से आएगा। अच्छा ये लें, ये देखिए मेरे पास ये फ्रूट कट वाली नाइफ है, उससे काट रही हूँ। ये जो दूसरा नाइफ था इससे नहीं काटने हो रहा, काटने हो जाएगा पर स्मूथली नहीं काटने होगा। ये लिया थोड़ा सा, लगाया एक तरफ, दूसरी ब्रेड हाथ में पकड़ी, इसको ऐसे पलट दिया और उसके ऊपर ये लगा दिया। अब यहाँ पे एक पैन चूल्हे पे रखा, इसमें कुछ भी नहीं डाला, जस्ट ये जिस ब्रेड के ऊपर हमने लगाया था वो डाल दिया। जब ब्रेड पक जाए तो इसमें ये एग जाएगा मिडल में। नहीं अभी नहीं हुई। इसको मैक्सिमम हल्की आंच पे 3 मिनट लगेंगे, इससे पहले भी एक आध दफ़ा पलट के देख लें कि जल ना जाए। डाल लिया अंडा एक, अंडा दो और एग नंबर 3 भी आ गया। अब थोड़ा सा इसके बीच बटर डाला है। मिक्स किया, वही पैन, थोड़ा सा साल्ट डाल दिया, मिक्स किया, वही पैन रखा और उसमें अंडा डाल के पका दिया। हल्का सा पकाना, बहुत भी नहीं कुक करेंगे। ये डाल दिया, तकरीबन इसको पकाएंगे हम 2 मिनट। मीडियम आंच है पर पैन थोड़ा पहले गर्म था। पक गया, एंजॉय।